नमस्कार दोस्तों, द जर्नलिस्ट टाइम में इस समय हम बात करेंगे ऋषि सनक की। इनका जन्म आपको बता दें कि 12 मई 1980 को हुआ था। वो एक हिंदू राजनेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2022 से वो फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं और वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में कार्यरत हैं। वो 2020 से 2022 तक राजकोष के चांसलर थे और 2019 से 2020 तक ट्रेजरी के मुख्य सचिव थे। वो 2005 से रिचमंड यार्क के लिए संसद सदस्य थे, यानी जो है वो सांसद थे। इनका जन्म इंग्लैंड के साउथहैम्पटन नामक शहर में हुआ था। इनके माता पिता भारतीय मूल के हिंदू हैं, पंजाबी खत्री, जो कि पूर्व अफ्रीका में रहते थे। 90 दशक में इनके माता पिता ने पूर्व अफ्रीका से इंग्लैंड में आए हुए थे। ऋषि ने अपनी पढ़ाई वेंचेस्टर कॉलेज में ही की थी। उन्होंने दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड में इन्होंने इसको अध्ययन को पूरा किया। इसके बाद फुलब्राइट प्रोग्राम के तहत इन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त कर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करने के दौरान इन्होंने तमाम जो है यहाँ पर अपना अध्यापन किया। उसके बाद में यहीं पर इनकी मुलाकात इन्फोसिस के फाउंडर और व्यापारी NR नारायण मूर्ति की बेटी अश्ता मूर्ति से हुई। शिक्षा की हम बात करें तो सुनक ने विंचेस्टर कॉलेज में स्कूली शिक्षा हासिल की। उन्होंने लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र में फर्स्ट के साथ में स्नातक किया। 2006 में उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में MBA की डिग्री हासिल की। हम बात करते हैं अब उनके राजनीतिक सफ़र पे। यॉर्कशायर के रिचमंड के से ऋषि 2015 में पहली बार संसद चुने गए। उस समय ब्रेग्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता रहा। ऋषि सुनक ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा से तमाम जो सरकार के संसदीय अपर सचिव ग्रुप में भी उन्होंने कार्य किया। थेरेसा के इस्तीफा के बाद में सनक ने बोरिस जॉनसन के कंजर्वेटिव नेता बनने के अभियान का भी समर्थन किया। जॉनसन ने प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद सनक को ट्रेजरी का मुख्य सचिव नियुक्त किया। चांसलर के रूप में सुनक ने यूनाइटेड किंगडम में COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के मद्देनजर सरकार की आर्थिक नीति पर प्रमुखता के साथ में कार्य किया। 5 जुलाई 2022 को उन्होंने त्यागपत्र में जॉनसन के साथ अपनी आर्थिक नीति के मतभेद का हवाला देते हुए सुनक ने चांसलर के पद से इस्तीफा भी दे दिया। सुनक का इस्तीफा स्वास्थ्य सचिव जावेद के इस्तीफे के साथ एक सरकारी संकट के चलते ये कारण इसका मुख्य बना था। हम निजी जीवन की बात करें तो सुनक गुजरवाला के एक पंजाबी खत्री परिवार से हैं। उनका जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन हैम्पायरशायर में इंग्लैंड में पिता यशवीर और माता उषा सुनक के घर में हुआ था। वो तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनके दादा दादी प्रांत पंजाब यानी भारत में पैदा हुए थे और 1960 के दशक में पूरी अफ्रीका से अपने बच्चों के साथ UK चले गए थे। सुनक ने 2009 में भारतीय अरबपति इन्फोसिस के संस्थापक एना नारायण मूर्ति की बेटी अश्ता मूर्ति से शादी की। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मिले और वहीं फिलहाल उनके साथ में विवाह हुआ। फिलहाल अब उनकी दो बेटियां हैं। सुनक एक भारतीय ब्रिटिश हिंदू पंजाबी खत्री के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। 2017 से हाउस ऑफ कॉमन्स में भगवत गीता पर उन्होंने शपथ भी ली थी। ऋषि सुनक एक टीटो ट्रलर हैं। वो पहले ईस्ट लंदन स्कूल में गवर्नर थे। हम यदि विवादों पर नज़र डालते हैं तो ब्रिटेन के जिस पार्टीगेट स्कैंडल के कारण बोरिस जॉनसन की अधिक किरकिरी हुई थी, उसकी आँच सुनक पर भी पड़ी थी। सुनक पर भी पार्टीगेट स्कैंडल विषय में अर्थदंड भी लगाया गया था। उन्हें फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस भी जारी किया गया था। इस पार्टी की तस्वीरें और कुछ ईमेल लीक होने के कारण ये मामला ज़्यादा गर्मा गया था। इस घटना के पश्चात सुनक की लोकप्रियता में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से उन गिरावटों पर, उन तमाम जो बातें थीं उन पर फिलहाल विराम लग चुका है। वो फिलहाल प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पूरी क्षमताओं के साथ लोगों के सामने आए हैं।
अब सबसे बड़ा जो यहाँ पर संकट खड़ा होगा वो कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों को लेकर तमाम चीज़ें जो हैं उसके साथ में माना जा रहा है। फिलहाल वो आर्थिक नीतियों से जो संकट जो आया है उसे कैसे निपटेंगे, इन सब पर भी तमाम लोग अपने अपने तरीके से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक हिंदू होने के चलते इस समय जो दीपावली के त्यौहार के दिन उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, और उनको लेकर जो उनके जो फॉलोअर्स हैं पेज पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं। इन सब के चलते ये भी माना जा रहा है कि अब भारत के साथ में जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे, दोनों देशों के बीच में तमाम चीज़ें जो हैं आदान प्रदान होंगी, रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे और व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। ऐसे में रूसी सनक की तरफ से ये जाना जा रहा है, समझा जा रहा है कि दोनों देश जैसे आप तमाम जो चीज़ों को लेकर जब सामने आमने आएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा आर्थिक संकट जो गुजर रहा था जिससे गुजर रहे हैं उसे जल्दी निजात भी मिलेगी। फिलहाल आज की इस विशेष कहानी में इतना ही, हम मिलेंगे फिर एक नई और विशेष कहानी के साथ। धन्यवाद।